しい圧をね。くらえ。Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप सब। आते हैं हमारे चैनल सुपर कॉमिक्स बुक। तो गाइज आज हम आपके पास एक और नई कॉमिक और फैन मांगा लेकर आए हैं। ये हमारी पिछली वीडियो यानी कि जो थी ड्रैगन बॉल न्यू एज पार्ट 3 का नेक्स्ट पार्ट है, जिसका नाम है ड्रैगन बॉल न्यू एज एपिसोड 4। तो गाइज हम अपनी इस एपिसोड 4 में दो चैप्टर कवर करने वाले हैं, बल्कि नहीं दो भी नहीं, हम अपनी आज की इस वीडियो में चार चार चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो गाइज देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर इतने ज़्यादा चैप्टर ला रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हमें सपोर्ट अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ वीडियो का मज़ा लेकर चले जाते हैं, वीडियो को देखकर चले जाते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गाइज इस सब काम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो गाइज अगर आप हमें सपोर्ट दिखाएंगे तो तभी तो हम अपनी नई से नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, वरना हमारा नई वीडियो बनाने पर बिल्कुल भी देने नहीं चाहेगा। तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तो थैंक यू वेरी मच। तो गाइज हमारी आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 25 लाइक्स का। तो गाइज प्लीज़ लाइक्स का टारगेट ज़रूर कम्प्लीट कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसका अगला पार्ट भी लेके आएँ। तो फिर और गाइज हमारी पहली वीडियो को भी देख लीजिएगा और चलिए फिर आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि वो किस तरह रायगोर उन दोनों के अटैक के बाद पागल सा हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम लोगों से नहीं हार सकता, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तो गाइज हम अपनी आज की वीडियो का टाइटल देखते हैं, ये है ड्रैगन बॉल न्यू एज चैप्टर 9। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अपनी आज की वीडियो में चार चार चैप्टर कवर करने वाले हैं, तो वो चैप्टर्स हैं चैप्टर 9, 10, 11 और 12। तो गाइस अपना चैप्टर 9 शुरू करते हैं, ड्रैगन बॉल न्यू एज चैप्टर 9, और एपिसोड 9 का टाइटल है रायगोर ट्रांसफॉर्म्स इंटू सुपर सैयन 5। रायगोर सबसे बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तो गोकू से बोलता है कि तुम्हारी पावर बहुत जल्दी कम हो रही है, तुम हमें कैसे हरा सकते हो, तुम हमें बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। लेकिन रायगोर फिर भी बहुत बुरी तरह हंसे जा रहा होता है, तो गोकू पूछता है कि इसमें हंसने वाली बला क्या बात हुई। तो रायगोर बोलता है कि मैं लेजेंडरी सुपर सैयन हूँ, मैं तुम जैसे आम सैयन से बिल्कुल भी नहीं हार सकता। रायगोर बोलता है कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं हार गया हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बल्कि ये तो अभी मेरी कोई पावर नहीं है, असल पावर तो मैं तुम लोगों को अपनी अब दिखाऊंगा। तो वेजिटा रायगोर को बोलता है कि रायगोर क्या तुम्हारे सर पर कोई चोट लगी है क्या, तुम पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम, और तुम ये हंस कैसे रहे हो। रायगोर हंसता हंसता बोलता है कि तुम लोगों ने अभी तक सुपर सैयन 4 पूरा देखा ही कहा है, तुम लोगों ने इस फॉर्म को अभी तक बिल्कुल पूरी तरह परफेक्ट नहीं किया है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्रू सुपर सैयन 4 क्या होता है, तुम लोग तो अभी सुपर सैयन 4 की इनिशियल स्टेज पर हो। तो वेजिटा हैरान होकर बोलता है कि क्या ट्रू सुपर सैयन 4, ये क्या है। रायगोर बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो सुपर सैयन 4 को पूरा का पूरा मास्टर कर लिया है। और गोकू बोलता है कि क्या ऑब्सोल्यूट सुपर सैयन 4। तो रायगोर बोलता है हाँ, सिर्फ ये ही नहीं, मैं सुपर सैयन 5 में भी कन्वर्ट हो सकता हूँ। तो इस पर गोकू और वेजिटा और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं कि क्या सुपर सैयन 4 के बाद सुपर सैयन 5 भी। और रायगोर बोलता है कि आओ मैं तुम्हें अब असली सुपर सैयन 5 की पावर दिखाता हूँ। तो इसी के बाद ही रायगोर पावर अप होने लग जाता है और सुपर सैयन 5 में कन्वर्ट होने वाला होता है। तो पिकलो भी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। पिकलो बोलता है कि रायगोर की पावर बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रही है। सिपारी डरते डरते बोलती है कि ये क्या, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, रायगोर को ये पावर यूज़ में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अब जल्द से जल्द कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा।
इस वक्त इसकी पावर इतनी खतरनाक है कि ये मुझे भी मार सकता है और पूरे के पूरे अर्थ को भी तबाह कर सकता है। और ये देखते देखते ही रायगोर सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसे देख के गोहान भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है कि सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद तो इसकी पावर और भी ज़्यादा जल्दी बढ़ रही है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और गोहान ये भी बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, सुपर सैयन 5 में कैसे कन्वर्ट हो गया, इसके पावर तो इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि ये हम सबको एक ही बार में मार सकता है। तो रायगोर को सुपर सैयन 5 में देखकर गोकू और वेजिटा भी बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सुपर सैयन 5 में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। और पहले तो इसकी पावर बहुत जल्दी कम हो रही थी लेकिन अचानक ही इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि रायगोर सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो वेजिटा बोलता है कि गोकू अब हम क्या करें, इसके पावर तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। गोकू बोलता है कि इसकी पावर तो अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये ओमेगा शेनरान को भी एक ही बार में मार सकता है। और वेजिटा बोलता है कि हाँ ये तो लॉर्ड बीरस से भी ज़्यादा पावरफुल है, ये तो लॉर्ड बीरस को भी चुटकियों में ख़त्म कर सकता है। रायगोर बोलता है कि मैं तुम में से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। और यह बोलते ही वो वेजिटा पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है और कहता है कि चलो अब देखते हैं कि पहले किसे मारा जाए। और यह देखकर ऊब, गोहान और पिकलो जो कि आसमान में फ्लाई करते होते हैं वो भी बहुत डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। और शुक्र है कि सभी उस अटैक से बच जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज अटैक था। लेकिन वेजिटा बोलता है कि करोर देखो रायगोर कहाँ चले गया है। तो गोकू बोलता है कि शुक्र है कि सभी के सब ठीक हैं। वो बोल रहा होता है कि अगर वो सैयन आखिर जा कहाँ सकता है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि वो रायगोर ऊब के पीछे से आकर उसे अटैक कर देता है और गोकू चिल्लाकर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और रायगोर ऊब की गर्दन मरोड़ देता है जिससे कि ऊब की उसी वक्त मौत हो जाती है। और रायगोर बोलता है कि ये लीजिए आपका पहला विनर आ चुका है, पहला बंदा भी मारा गया। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे इसे ऐसे मारने में मज़ा बिल्कुल नहीं आया। उसके बाद रायगोर ऊब के ऊपर एक एनर्जी ब्लास्ट करके उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। ये देखते ही गोकू को बहुत गुस्सा आता है कि ऊब ऐसा नहीं हो सकता। तो रायगोर बोलता है कि चलो देखते हैं अगली बारी अब किसकी है, कौन आगे बढ़ना चाहता है। ऊब को ऐसे देखकर गोटेन को भी बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। तो वो गुस्से में ही रायगोर के ऊपर अटैक करता है लेकिन बदकिस्मती से रायगोर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उस पर इस अटैक का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन फिर रायगोर गोटेन पर भी एक एनर्जी ब्लास्ट कर गोटेन को भी ख़त्म कर देता है। तो इस पर गोकू बिल्कुल गुस्से में पागल हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि गोटेन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वेजिटा गोकू को रोकता है कि गोकू रुक जाओ अभी हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, इस वक्त रायगोर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और हम उसके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। वेजिटा बोलता है कि हमें पहले कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। तो गोकू बोलता है कि हाँ वेजिटा तुम ठीक हो, हमें कुछ ना कुछ पहले सोचना चाहिए और तभी उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। गोकू बोलता है कि हमें किसी भी तरह कुछ ना कुछ करके हमें से किसी को गॉड में ट्रांसफॉर्म होकर इसे हराना होगा। लेकिन वेजिटा बोलता है कि गॉड में ट्रांसफॉर्म होने के लिए हमें 5 सैयन्स चाहिए और अभी हमारे पास पूरे 5 सैयन्स नहीं है। तो उसी वक्त वेजिटा के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बोलता है कि कैकरोट क्यों ना हम फ्यूजन करें। वेजिटा बोलता है लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद लेकिन फिर भी हमें यह करना होगा। तो रायगोर बोलता है क्या फ्यूजन, हाँ मैं जानता हूँ इसमें 2% मर्ज हो जाते हैं, मैं तुम लोगों को ये कभी भी नहीं करने दूंगा, इसे फ्यूजन कहते हैं ना। तो वेजिटा ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या रायगोर मुझे बताओ कि तुम्हें फ्यूजन की तकनीक के बारे में कैसे पता है। तो रायगोर बोलता है कि जब मैं एक प्लानर से आ रहा था तो वहाँ पर 2 बंदों ने मेरे खिलाफ ये एक टेक्निक इस्तेमाल की थी, तो उनके लिए मेरी सिर्फ 30% ही पावर काफ़ी थी, तो मैंने उन्हें ऐसे ही ख़त्म कर दिया और मुझे इस तरह फ्यूजन की तकनीक के बारे में सब पता चल गया। लेकिन ये ट्रिक तो मैं तुम लोगों को कभी भी यूज़ नहीं करने दूंगा। लेकिन तभी गोहान बोलता है कि डैड और वेजिटा आप यहाँ पर भागिए और जाकर फ्यूजन की तकनीक कीजिए, हम लोग यहाँ पर रायगोर को संभाल लेते हैं। तो गोहान रायगोर के ऊपर एक की ब्लास्ट कर देता है लेकिन इसकी ब्लास्ट से भी रायगोर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन इस अटैक की वजह से गोकू और वेजिटा भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद राइगोर गोहान और पिकलो को मारकर पीछे करता है और गोकू और वेजिटा की तरफ भागने लगता है। लेकिन गोकू और वेजिटा बहुत दूर आ गए हैं और वहां पर वो फ्यूजन की तकनीक करने वाले हैं, लेकिन राइगोर किसी तरह से वहां पर भी पहुंच जाता है और राइगोर गोकू और वेजिटा को ढूंढ लेता है और उन पर एक की ब्लास्ट कर देता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। तब तक गोकू और वेजिटा आपस में फ्यूज हो चुके होते हैं। तो राइगोर ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है, वो कहता है क्या ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा फ्यूज होकर गोजिटा बन चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर भी दो चैप्टर खत्म होते हैं, चैप्टर 9 और 10। तो गाइस इसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली आखिरकार गोजिटा आ गया है और चैप्टर नंबर 11 का टाइटल है द फ्यूज करेक्टर राइगोर वर्सेस गोजिटा। जमारी जो कि आसमान में उड़ रही होती है उसके काउंटर पर भी ये पावर आ जाती है और वो देखती है क्या कि पावर की तो रेटिंग 10+ आ रही है। इतनी ज़्यादा पावर पर तो राइगोर जा पहुंचा है और कोई भी नहीं। इस वक्त राइगोर के अलावा ये पावर किसकी हो सकती है, क्योंकि गोकू और वेजिटा की तो बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो चुकी है। लेकिन ये है कौन जो अभी तक राइगोर को फेस कर रहा होगा, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ राइगोर बोलता है कि मुझे तो अब और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि तुम्हारी पावर बढ़ गई है और अब हमारा टक्कर का मुकाबला होगा। मुझे ये लड़ाई करने में बड़ा मज़ा आएगा। तो वेजिटा बहुत जोरदार मौका उसके मुँह पर मारता है और उसका कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकते, तुम बस हर वक्त बकवास ही करते रहते हो, क्या तुम कुछ देर चुप बैठोगे। तो गोजिटा बोलता है कि मेरे पास अब इसको खिलाने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं, मुझे 10 मिनट में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो गोजिटा जोरदार मारता है उसके मुंह के ऊपर और कहता है ये लो ये ऊँट के लिए। तो उसे फिर से मारता है और कहता है ये लो ये गोटन के लिए। और गोजिटा पूरी तरह से फट पड़ता है राइगोर के ऊपर और कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। राइगोर बोलता है कि ये तुम जिससे जूंगा समझ के मेरी पावर कम हो गई है, मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूंगा। तो ये सुनकर गोजिटा बोलता है कि क्या रख कर हो क्या 5 मिनट में तुम मुझे नहीं ख़त्म कर सकते। चलो फिर देखते हैं कि 5 मिनट में कौन जीता है और कौन हारता है। तो उसी वक्त गोजिटा राइगोर की तरफ बढ़ता है और जोर से उसके मुंह के ऊपर कांच मारता है। इस मौके में पड़ने के बाद राइगोर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या मैं इससे इतनी मार कैसे खा सकता हूँ, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इतने गुस्से में आकर वो गोजिटा को मारता है तो गोजिटा जमीन पर जा गिरता है। तो गोजिटा जल्दी से उठकर अपना सबसे पावरफुल अटैक कामेहामेहा राइगोर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन राइगोर इस अटैक को रोक लेता है और कुछ ही देर में इसे डिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये देखकर गोजिटा बिल्कुल हैरान हो जाता है कि इसने इतना पावरफुल अटैक इतने किसी कैसे डिफ्लेक्ट कर दिया, और उसे कुछ ना कुछ तो डैमेज जरूर आया होगा इस अटैक में, क्योंकि ये मेरा इतना पावरफुल अटैक था। तो जो उसकी वाइफ से पारी होती है जो कि बहुत दूर चले गई है, वो अपने हस्बैंड को देखकर बहुत खुश हो रही होती है कि मेरे हस्बैंड ने इतना पावरफुल अटैक इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि राइगोर बहुत थक चुका है, तो वो जीरा कहता है कि इसकी स्पीड ही ज़्यादा नहीं है बल्कि ये ज़्यादा पावरफुल स्पीड है। तो गोजिटा बोलता है हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ से चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो जाता है और जो कि ये है चैप्टर राइगोर वर्सेस गोजिटा पार्ट 2। और फिर उन दोनों के दरमियान दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि कभी गोजिटा राइगोर को मारता है और कभी राइगोर गोजिटा को मारता है। इनका मुकाबला आपस में बिल्कुल टक्कर का चल रहा होता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि राइगोर बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो सुपर सैयन 5 तक ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जबकि गोकू और वेजिटा कभी भी सुपर सैयन 4 के ऊपर अभी तक नहीं जा सके। सोच ही सकते हैं कि राइगोर कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो हम देखते हैं कि राइगोर कभी उसे आसमान पर पटकता है और कभी पटककर हर जमीन पर मारता है। गोजिटा की पावर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो चुकी होती है, वो बोलता है कि ये राइगोर की पावर बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी एल्डर गाय बोलते हैं कि इन्होंने राइगोर को टाइम देकर बहुत ही ज़्यादा गलती की है, इसकी पावर इतनी ज़्यादा हो गई है क्या वो गोजिटा को भी हरा सकता है।
ये सुन कर ही सुप्रीम पर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें गोजीता से उम्मीद नहीं हटानी चाहिए, हमें गोजीता से पूरी उम्मीद है। तो ड्राइवर गोजीता से बोलता है कि मैं अभी किसी पता चला कि मैं कॉल लाइन कितनी ज़्यादा है, तुम मुझे खुद होकर भी नहीं करा पाए। गोजीता हैरान होकर बोलता है कि इतना ज़्यादा पावरफुल आखिर कैसे हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी अपनी आखिरी सांस तक इससे मुकाबला करूंगा। टाइगर बोलता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। गोजीता बोलता है कि हाँ शायद तुम सच बोल रहे हो कि तुम्हारी पावर लेवल बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मेरे पास अभी भी 5 मिनट पड़े हैं तुम्हें हराने के लिए। और बोलता है कि मैं इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं अपनी 100% पावर यूज़ करूँ, तो अब वो टाइम आ चुका है। और इसी वक्त टाइगर अपना एक अटैक चार्ज करने लग जाता है। तो गोजीता बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, अपना सबसे पावरफुल अटैक मुझे मारने वाले हो। तो ड्राइगर बोलता है कि गोजीता क्या तुम मुझे सुन सकते हो क्या तुम मुझे, मैं तुमसे अपनी माँ का बदला लेने वाला हूँ और लेकर ही रहूँगा। तो ड्राइगर बोलता है कि मैं अपना सबसे पावरफुल अटैक तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूँगा जिससे कि पूरी अर्थ भी तबाह हो सकती है। गोजीता बोलता है कि रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बस थोड़ी देर रुक जाओ कि तुम ये पूरा प्लानट ही ख़त्म कर दोगे। तो रायगोर बोलता है कि तुम बस मुझे देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। ये बोलते ही रायगोर अपनी सारी पावर जमा कर लेता है। गोजीता बोलता है कि प्लीज़ रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इससे हमारा प्लेनेट अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है। गोजीता बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, मैं अपनी सारी की सारी पावर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर दूंगा। और बोलता है कि मैं जानता था कि तुम अपनी कुछ ना कुछ पावर अभी तक छुपा कर रख रहे हैं, लेकिन इस पावर का भी कोई फ़ायदा नहीं, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरे इस इतने पावरफुल अटैक के सामने तुम्हारा ये कामेहमेहा कुछ भी नहीं है। लेकिन गोजीता उसके कुछ भी नहीं सुनता और ये कामेहमेहा चार्ज करने लग जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ अपना अटैक कर देते हैं। तो ये गाइस आप इसके बाद देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में अगर मेरी कोई मिस्टेक हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, अल्लाह हाफिज़। なんだってやってやる。作戦会議は終わったか。こっからはオラたちの番だ。ん？はっ！うわっ！なんてこと。命拾いしたな。自らを犠牲にして弱きお前らを助けたあいつに感謝するんだな。